अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आज हम ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश की एक आई गेस लास्ट पोम है, हम आज वो पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो ये जो पोम है उसका नाम है बी। बी का मतलब है करना या होना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है बी गुड टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ हमेशा अच्छे रहो। बी ट्रू टू योर वर्ड्स, और जो अपने अल्फाज बोलो उसके पक्के रहो, उसके सच्चे रहो। बी श्योर टू स्पीक वेल, कोशिश करो कि जो भी कहो वो अच्छा कहो। बिकॉज़ यू विल बी हेयर्ड, क्योंकि आपको भी वो फिर कभी सुनना पड़ सकता है, इसलिए कोशिश करें कि जिससे भी जो कहें अच्छी बात कहें। बी लव्ड एंड शो लव, हमेशा प्यार करने वाले बनो और प्यार दिखाओ। बी गिविंग एंड काइंड, हमेशा देने वाले बनो, और काइंड का मतलब होता है हेल्पफुल या फिर किसी दूसरे की मदद करना, तो ऐसे काइंड बनो। बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहो। बी जेंटल, नरम नरम रहो हमेशा, मतलब आपका जो लहजा है वो नरम रखें। एंड क्लियर इन योर माइंड, और आपका जो माइंड है उसमें हर चीज़ साफ रखें। बिगिन ईच डे विद अ स्माइल ऑन योर फेस, हर दिन आप अपने चेहरे पर जो है वो स्माइल लाएं, मुस्कुराएं। बिलीव दैट यू विल श्योरली विन एनी रेस, और इस बात पर भरोसा रखें कि आपकी जो भी रेस है या फिर कुछ भी आपको जो अचीव करना है आप वो श्योरली कर लेंगे, अगर आप दिन के शुरुआत में मुस्कुराएंगे तो, और दूसरे लोगों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो। ओके, तो यहाँ पर इसकी कुछ एक्सरसाइज आ जाती है। नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर हैं, टॉक अबाउट द फॉलोइंग एंड देन राइट द आंसर। नंबर ए जो है उस पर लिखा हुआ है व्हाट लेसन डज दिस पोम टीच अस, ये जो पोम है हमें क्या लेसन देती है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप वो लिख लीजिएगा। दिस पोम टीच अस द लेसन that be humble and kind to others, and if you think and do good for others, so it will definitely come to you in unexpected ways. तो इसका मतलब ये है कि ये जो पोम है ये हमें ये लेसन देती है, ये सबक देती है कि लोगों के साथ काइंड रहें, हम्बल रहें, मतलब नरम मिजाज रखें, और अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं या अच्छा करते हैं तो वो आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड वेज में अच्छा हो जाएगा, कि आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि किस तरीके से हो गया। मैं आपको वापस एक तो बता देती हूँ, आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। दिस पोम टीचर्स द लेसन दैट बी हम्बल एंड काइंड टू अदर्स, एंड इफ़ यू थिंक एंड डू गुड टू फॉर अदर्स, सो इट विल डेफिनेटली कम टू यू इन अनएक्सपेक्टेड वेज। नंबर बी क्वेश्चन है टेक अ लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन पेज 117, व्हाट यू थिंक इट इज़ टेलिंग अस। तो पेज नंबर 117 है, पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। पिक्चर जो है वो ये कुछ इस तरीके की है, तो ये पिक्चर देख के हमें क्या लगता है कि इससे हमें क्या स्टोरी मिल रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप वो भी लिख सकते हैं या अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं दिस पिक्चर टेल्स अस दैट दीज टू चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड वन किड हु इज़ वॉचिंग दैम बट कांट प्ले बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू वॉक, सो दीज टू चिल्ड्रन जॉइन दैट बॉय एंड विद काइंडनेस एंड जेंटलनेस दे वर प्लेइंग विद दैट बॉय। जिसका मैं आपको उर्दू में मतलब बता देती हूँ कि जो पिक्चर है इसमें पता चल रहा है कि जो दो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, और एक बच्चा है जो उनको देख रहा है, वो खेल नहीं सकता क्योंकि वो व्हील चेयर पर है और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो चल सके। तो वो जो दो बच्चे होते हैं वो जो व्हील चेयर पर बच्चा है उसको भी कहते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें, और उसके साथ और उसकी हेल्प करते हैं, और नरमी और उनका जो मिजाज होता है वो नरम मिजाज होता है, और इसके थ्रू वो उस बच्चे के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं कि आप भी हमारे साथ आएँ और हमें ज्वाइन करें। मैं आपको वापस एक दफ़ा पढ़ के बता देती हूँ दिस पिक्चर टेल्स अस दैट दीज टू चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड वन किड हु इज़ वॉचिंग देम बट कांट प्ले बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू वॉक, सो दीज टू चिल्ड्रन जॉइन दैट बॉय एंड विद काइंडनेस एंड जेंटलनेस दे वर प्लेइंग विद दैट बॉय। ओके, तो इसके नीचे एक और है, ये पोम है सिंग दिस पोम विद योर क्लास कलर द पिक्चर। आपको ये पिक्चर जो आप इसमें कलर कर लीजिएगा। यहाँ पर एक पोम है जो मैं आपको ये पढ़ के बता देती हूँ। टू लिटिल हैंड्स टू वर्क एंड प्ले, हमें दो हाथ दिए गए हैं कि हम उसके साथ काम कर सकें और खेल सकें। टू लिटिल फीट टू जम्प एंड स्वे, हमारी जो फीट्स हैं तो वो हमें दी गई हैं कि हम उसके साथ छलांग मार सकें और कोई भी चीज़ हो वो कर सकें। टू लिटिल आइज टू लुक अराउंड, हमें दो आँखें दी गई हैं ताकि हम हर तरफ देख सकें। टू लिटिल ईयर्स टू हेयर मैनी साउंड, दो कान दिए गए हैं ताकि हर तरीके की आवाज़ को हम सुन सकें। वन लिटल हेड नॉडिंग फास्ट एंड स्लो, एक हमें सर दिया गया है ताकि हम उसको तेज़ और आहिस्ता हिला सकें। वन लिटल नोज टू स्मेल यू नो, हमें एक नाक दी गई है जिसकी हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्मेल सूंघ सकते हैं।
दीज आर सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स वी कैन सी, ये हमारे कुछ हमारे बॉडी के जिस्म के आज़ा हैं जो हम देख सकते हैं. लुक एट द मिरर एंड फाइंड मोर विद मी, तो आप मिरर पर देखें और भी ढूंढें. यहाँ पर ये कुछ लास्ट एक्सरसाइज है, हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ सेफ, हियर आर अ फ्यू वेज. यहाँ पर आपको कुछ फ्यू वेज दी गई हैं. बकल योर सीट बेल्ट व्हेन सिटिंग इन द कार, आप जब भी कार में बैठे तो आप अपना सीट बेल्ट ज़रूर बांधें. रिमेंबर गुड टच, याद रखें कि गुड टच और बैड टच क्या होता है. गुड टच मतलब हाई फाइव, आपने किसी को ताली दी, शेकिंग हैंड्स हाथ मिलाना इज़ ओके, ये ठीक है. बैड टच ये होता है कि हिटिंग पुशिंग मतलब किसी को मारना या धक्का देना, और टचिंग समवन इन अ वे दैट मेक्स देम अनकम्फर्टेबल, और किसी को इस तरीके से हाथ लगाना कि वो अनकम्फर्टेबल महसूस करे इज़ नॉट ओके, ये ठीक नहीं है. इफ़ यू आर नॉट ओके विद समवन टचिंग यू, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है कि कोई आपको हाथ लगा रहा है, से नो स्टॉप, तो आप नो कह सकते हैं, स्टॉप कह सकते हैं, और डोंट टच मी लाउडली, और ज़ोर से कह सकते हैं डोंट टच मी. एनी वन दैट यू डोंट नो इज़ अ स्ट्रेंजर, अगर आपको नहीं पता कि कोई एक इंसान है वो स्ट्रेंजर है. ऑलवेज आस्क योर पेरेंट्स फॉर परमिशन बिफोर टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, तो हमेशा पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन लें और फिर बात करें, क्योंकि वो स्ट्रेंजर हो इस चीज़ का आपको मालूम नहीं हो सकता. ओके, तो ये जो बी है ये हमारी एक छोटी सी पोम थी, विद एक्सरसाइज यहीं पर ही कम्प्लीट होती है. और ये बुक के मैंने सारे चैप्टर्स विद एक्सरसाइज और ट्रांसलेशन के साथ मैंने आपको करा दिए हैं. इंशाल्लाह अब इसी एडिशन की जो नेक्स्ट मैथ्स की बुक है मैं आपको कोशिश करूँगी उसकी एक्सरसाइज कराना शुरू करूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब करें इफ़ यू वांट मोर एंड डेली वीडियोज़ फ्रॉम दिस चैनल. थैंक यू.